आज हम सूटर दादी प्रकाशी तोमर के घर में हैं। सूटर दादी जी के गांव बागपत में, उनके गांव जोहड़ी में पहुंचे हैं, लेकिन सूटर दादी जी यहां पर नहीं है क्योंकि वह मुंबई गई होंगे। मुंबई में कपिल शर्मा के शो में उनका कार्यक्रम है, वहां जाने के कारण वो हमसे नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन हम उनके घर में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं सूटर दादी के जो आई कार्ड्स हैं, कितने कार्यक्रमों में बुलाई गई हैं, आप उनके सम्मान, आप उनके अवार्ड्स देख रहे हैं। एक 86 ईयर की बुजुर्ग महिला किस तरीके से आज हमारे समाज में, खासकर जाट और गुजर समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। जब इस उम्र में लोग, खासकर महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं चारपाई से उठ नहीं पाती हैं, ऐसे में सूटर दादी ने वो नाम कमाया है देश में, जिसके लिए लोग आज उनको बहुत सराह रहे हैं। उनकी फिल्म आने वाली है सांड की आंख, दीपावली पर रिलीज होने वाली है। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सूटर दादी का ये रुतबा, ये देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी भी और सचिन तेंदुलकर जी भी और पूरा पुलिस समाज और गुजर और जाट समाज उनको सम्मानित कर रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सूटर दादी का रुतबा ही है कि वो आज ये मुकाम हासिल करके देश के लिए एक प्रेरणा बन गई है। लोग सोचते हैं कि बुजुर्ग लोग सिर्फ हम पर बोझ बन जाते हैं, लेकिन नहीं, सूटर दादी ने ये कहावत, ये बात, ये सब खत्म कर दिया है। ये बात आज के बाद शायद कोई नहीं कह पाएगा कि बुजुर्ग लोग हम पर बोझ बनते हैं, बुजुर्ग लोग हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। कि आज के युवा जब 86 साल की 86 ईयर में जाकर सूटर दादी इतना बड़ा नाम कर सकती है कि पूरे देश और दुनिया में चैंपियनशिप के मामले में, लक्ष्य के मामले में, निशाने के मामले में वो नंबर वन है, तो आज के युवा क्यों नहीं अपना लक्ष्य साध सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक दिल्ली का वाक्य है। दिल्ली के DIG उनको सूटर दादी ने हराया है और गोल्ड मेडल पाया है, तो आप समझ सकते हैं कि सूटर दादी आज चर्चा का विषय है और हमारे लिए, खासकर जाट और गुजर समाज के लिए वह एक प्रेरणा बन गई है। आज हम संडे पोस्ट की टीम के साथ सूटर दादी के गांव पहुंचे हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हालांकि उनके कमरे में उनकी यादें हैं और वह हमारे बीच अभी है नहीं क्योंकि वो मुंबई में हैं। हम जल्द उनसे मिलेंगे। संडे पोस्ट टीम आपसे उनके मिलकर उनके विचार और उनके जो इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत करें। खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से कि बोल तेरी रजा क्या है। आज हम सूटर दादी प्रकाशी तोमर जी के साथ, दी संडे पोस्ट टीम के साथ, पूरे हमारे सहयोगी नैन्सी तोमर, मनीषा नागर, हम सभी लोग पहले सूटर दादी के गांव बागपत के जोहड़ी में पहुंचे, लेकिन वहां पता चला कि सूटर दादी नहीं है और अब हम उनको खोजते खोजते मेरठ आ पहुंचे। मेरठ में हम सूटर दादी से मिले हैं और सूटर दादी आज उस मुकाम पर है जब लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। रिटायर्ड होने के बाद बुजुर्गों को हम एक एक्स श्रेणी में समझ लेते हैं कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे समय में जहां हम बिल्कुल एंड की तरफ जाते हैं, वहां से ये फिल्म शुरू होती है। फिल्म सांड की आंख भी दीपावली पर आ रही है और सूटर दादी प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर पर बनी है, रियल लाइफ पर बनी है, लेकिन जो फिल्म में दिखाया जाएगा वो सच्ची तस्वीर शायद फिल्म वाले पेश ना कर पाए, क्योंकि हमने देखा है, दादी से बात कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे, हम दादी से बात करेंगे, आप दादी के जो आप दादी के विचार और दादी की सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे,
और बताएंगे कि किस तरीके से दादी ने संघर्ष किया, कैसे दादी रात के अंधेरे में निशाना साधती थी, क्योंकि दिन में दिन के उजाले में लोग मजाक करते थे, कहते थे कि दादी तो रिवॉल्वर चलाकर बंदूक चलाकर क्या कारगिल में जाएगी, लेकिन दादी कारगिल से भी बड़ी चीज में पहुंच गई है, पूरी देश और दुनिया में पहुंच गई है दादी की रिवॉल्वर। और आज हम ऐसी दादी के पास, हम रिवॉल्वर दादी, हम शूटर दादी प्रकाशी तोमर के पास आए हैं। तो हम प्रकाशी तोमर जी से अब अपनी आगे की सीरीज जारी कर रहे हैं। हमारी सहयोगी नैन्सी तोमर प्रकाशी दादी प्रकाशी तोमर जी से बात करें। नमस्कार, मैं नैन्सी तोमर दुसंजी पोस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे पत्रकार आकाश नागर जी ने आपको बताया है कि हम आप पहुंचे हैं मेरठ और हम अभी बैठे हैं शूटर दादी के साथ। तो आइए हम आपको बताते हैं कि शूटर दादी ने कैसे शूटिंग की शुरुआत करी और क्या रहा यहाँ तक का सफर, यहाँ आने तक का सफर। तो आइए बात करते हैं शूटर दादी से। दादी जी नमस्कार। जी तो रहो बेटे, खुश रहो। दादी जी आप हमें बताइए कि कैसे आप यहाँ तक पहुंची हैं, कितनी कठिनाइयां आपके जीवन में आई हैं, क्या क्या लोगों ने कहा है, इस क्या क्या आपने मुश्किलों का सामना करके आप यहाँ तक आई हैं। बेटे मैंने पहले तो मेरी जिठानी जान लगी थी 15 दिन पहले मेरे तो छुप छुप के, फिर बाद में मुझे पता लगा कि वो रेंज में एडमिशन कराया सैफाली का, तो फिर मैंने भी अपनी पोती का रूबी तोमर, प्रीति तोमर, सीमा तोमर, मैं इनके एडमिशन कराए, सीमा बेटी का, दोनों पोतियों के। तो मैंने इनके एडमिशन कराए तो दो चार में कह लगी पठानों का मकान है, अकेले नहीं जाऊँ मैं, कहने लगी मैं गर्ल चले करूँगी। मैं दो चार दिन तो बैठ के देखा, एक दिन मुझे शौक सा लगा, मैं कहने की ना एक छर्रा मैं भी देखूँ आज, मैंने वो छर्रा मारा, वो सही टारगेट में लगा। तो कोच कहने का दादी बहुत अच्छा करोगे तुम, प्रैक्टिस करा करो। मैंने कहा कि भाई हमारी विद फैमिली है, बड़ा परिवार है, कि कोई मने करेगा कोई हाँ करेगा मुश्किल हो जाएगा, फिर लोग हमारी मजाक उड़ाओगे। कहने का बाहर घर में थरे कोई नहीं बतावे, और बाहर के तो लोगों का कहने का काम है, एक कान मुँह सुन एक मुँह काट दो। चलो भाई ठीक है, हम जैसा अपने खेत का काम करे थे, घेर में पशु का काम करे थे, वो काम निपटा के हम जग में पानी लेकर गड्डी के ओट में खड़े हो जाते, मेरे घेर में गड्डी खड़ी रहती हमारी। तो घरों आते नहा के और रोटी खा के भूस वाले कोठे में जग लेकर खड़े हो जाते। रात को परिवार सोवा था, हम जग में पानी लेकर प्रैक्टिस करते थे। तो यही करते करते हम सुबह पहुँच गए जाते, चले चढ़ा कर देखे हम थे। तो हमें यही करते करते यूपी स्टेट खेल लिया, मोलंकर खेल लिया, फिर नेशनल खेल लिया, एक साल हो गया। एक साल बाद मेरा दिल्ली का नंबर आया, दिल्ली का नंबर आया, तो मेरा वहाँ से लोगों ने मजाक तो बहुत उड़ाई के बुढ़िया जाएंगे कारगिल में, ये चलावे बंदूक, लोगों की सबकी सुनते रहे। लेकिन एक साल बाद मेरा नंबर आया दिल्ली का तुकला के बाग, तो मेरी कैटागिरी में एक धीरज सिंह DIG रुड़की तो बुला दिया, कैटागिरी होती है, तो मेरी गैल वो खिला दिया, मेरे हाथ में 32 बोर की दे दी। अरे मैं तो 32 बोर की कभी देखी भी नहीं थी, एयर पिस्टल की थी मैं, वो था 32 बोर का बहुत पुराना शूटर, एयर पिस्टल का भी, तो वो मेरी गैल खिला दिया। तो भगवान किसी करनी हुई, मेरा गोल्ड मेडल हो गया, उसका सेकेंड का हो गया। तो उसे कहने के धीरज सिंह एक फ़ोटो करवा गए, अब खटा यार फोटो करवा लो, औरत के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। कहने का औरत ने बेइज्जती नहीं कराई, वो तो बहुत पुराना शूटर है और यह है एक साल की खेली हुई, बेइज्जती तेरी स्कोर ने कराई, औरत ने नहीं करवाई। तो इसीलिए लोगों के मुंह बंद हो गए। फिर जैसा पेपर निकल गए, पेपरों में लोग कहने लगे अपनी औरतों को तो मैं कौन जाने, दादी को दुनिया जानेगी, तो इसलिए लोगों के मुंह बंद हो गए। फिर किसी ने मजाक नहीं उड़ाई, फिर हम खुलकर खेल लिए। मेरे बेटू ने सहयोग करा, प्रमोद, रामवीर,
सुरेंद्र सोमपाल, इन्होंने सहयोग करा कि आप खेल लो, जहाँ लो खेला जाओ, पैसा हम लगाओगे। तो इसीलिए हम फिर खुल कर खेल ले, लोगों ने मजाक नहीं उड़ाई। फिर बेटी मेरी आर्मी में हो गई थी, मेरठ में ये हो रहे थे मैच ट्रैप के, तो मुझे कोच बोल रहा दादी तू इसे सीमा को नहीं खिला सकती। मैं कहा खिलाऊंगी। मैं सीमा को लेकर गई, ने पहली में गोल्ड मेडल ले लिया ट्रैप में। अगले दिन फिर जाना था, एक मैच और था, अगले दिन फिर लेगी, फिर इन्हें गोल्ड मेडल ले लिया। तो सीओ आ रहा था अपने लड़के को लेकर, सीओ ने वहीं सिलेक्शन कर लिया सीमा का। कहने गया तो सीमा तो बहुत अच्छी चलेगी, पर मैं इसका अभी सिलेक्शन कर लिया। तो सीमा तो आर्मी में होगी, तो ये मेरी पोती के एडमिशन वहाँ सिलेक्शन हुए थे, इसमें ट्रायल हुई थी पंजाब में, तो वहाँ इनके सिलेक्शन हो गए थे, अच्छे स्कोर मारे। तो मेरी पोती वहीं पढ़ी, वहीं लिखी, वहीं शूटिंग करी, वहीं उसके एक मेडल लेकर से नौकरी मिल गई, सब इंस्पेक्टर बना दी। तो अब अच्छे अच्छे स्कोर मारे उनने, तो फिर उसका प्रमोशन हो गया, वह इंस्पेक्टर बन गई। तो मेरे तो मेरी दो बच्ची तो कामयाब हुई, मुझे बहुत गर्व है। तो मेरी लड़की दो कामयाब बनी, और मैं भी फिर मेहनत करी खूब मेहनत करी, मैं बहुत मेडल लिए, बहुत मेडल लिए। तो आज मुझे मेहनत का फल मिला, और हमारे जीवन पे यह फिल्म बनेगी, और हमारा जीवन हमारे क्षेत्र में हमारा जीवन सफल हो गया। तो जो हम लोगों की सुनते हम घर में बैठ जाते। आज मेरी उम्र 83 साल की होगी, तो मुझे इब भी जोश है, इब भी मैं ये चाहूँ कि मैं जितने जहाँ लोग खेला जावा खेल लूंगी। तो दादी जी आपके ऊपर जो फिल्म बन रही है, मूवी बन रही है, आपको कैसा लग रहा है? देखो बेटे, अब तो इतना अच्छा लग रहा, बहुत खुशी मिल रही, खुशी का माहौल है। मेरे रिश्तेदारों को भी, मेरे घर में भी, मेरे गांव में भी, आठ पड़ोस को, सबको खुशी है, क्योंकि इतना बड़ा नाम हो गया। ये कहें कि गांव की बुढ़िया का इतना बड़ा नाम हो गया, हमारे गांव का नाम हो गया, इस देश पर देश लोग पहुंच गया, तो बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा। नमस्कार, मैं मनीषा नागर दी संडे पोस्ट से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है शूटर दादी, बागपत जिले की जोहड़ी गांव की शूटर दादी, जो बहुत ही संघर्ष के साथ आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंची है कि वो कपिल शर्मा के शो पहुंच चुकी है, और आने वाले कल ये बिग बॉस में जाने का इनका मौका मिला है। तो दादी, कल आप कपिल शर्मा के शो में पहुंची, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बेटे, बड़ी खुशी मिली, बड़ा आनंद आया। और आगे जाने वाले हैं हम परसों बिग बॉस में, हमें वो भी बहुत अच्छा लग रहा, बिग बॉस में हमें वो भी अच्छा लग रहा कि वहाँ हम ऐसी जगह जाएंगे, देखो इतनी मेहनत का फल मिला, हम ऐसी जगह भी पहुंच जाएंगे, हमें बहुत खुशी मिली। जी दादी, मैंने अक्सर देखा है कि महिलाओं को आगे बढ़ते हुए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा अटकाव आया है कि महिला मजबूर हो जाती है, वो सोचती है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे शायद। तो आप कल हम आपके घर पे पहुंचे थे जोड़ी, तो मैंने आपका निवास स्थान बोर्ड देखा, उस पे लिख रहा था, एक वो थीम लगी थी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ। तो आप बेटियों को प्रेरणा देने के लिए क्या कहना चाहती हैं? बेटे, पहले तो मेरा नारा यू है कि बचाओ बेटी, पढ़ाओ बेटी, खिलाओ बेटी जी। दूसरी बात यह है, मैं अपने बच्चों को बढ़ावा दिया और मैं आगे बढ़ी। मैं तो इसलिए बढ़ी कि अपना मन जवान बनाया बुढ़ापे तक। तो मैं यही कहूँ कि तन बुढ़ा हो जा, मन बुढ़ा नहीं होता। फिर मैं अपनी लड़की भी ऐसे ही बढ़ाई, और यही प्रेरणा मैं देनी चाहती हूँ महिलाओं को कि घर में तो गृहस्थी मैं भी संभाली और सभी संभाले। तो इसमें आध घंटे का टाइम काट कर ऐसा करो कुछ जिसमें अपनी पहचान बनाओ, अपना नाम करो, अपने देश का, अपने गांव का। तो आपने देखा शूटर दादी का इंटरव्यू, शूटर दादी ने अपने सारे विचार आपके सामने रखे हैं।
अब सूटर दादी उन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो अपनी महिलाओं को, जिनके अंदर हुनर होता है, वो उनको घर से बाहर कदम नहीं रखने देते हैं। तो उन महिलाओं के लिए, उन पुरुषों के लिए ये दादी सूटर एक प्रेरणा बन चुकी है।